आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी कैसे बनते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का एजेंट कैसे बन सकते हैं, और किस तरह अकाउंट ओपनिंग करके और किसी का केवाईसी करके अच्छा खासा इनकम आप कर सकते हैं। जी हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी आपको बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे किस तरह आपको आवेदन करना है, कहाँ से आवेदन करना है। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे या आप डायरेक्ट सर्च करेंगे paytmbank.com, तो पेटीएम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये पेटीएम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए रजिस्टर अस ए केवाईसी पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे एक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर आपका मांगेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना फुल नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना बिजनेस का पूरा एड्रेस देना है, पिन कोड देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा आपका बिजनेस किस स्टेट में। उसके बाद यहाँ अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आपके पास एक निश्चित आउटलेट है, मतलब आपके पास एक दुकान है, एक अस्थायी दुकान, ठीक है। तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नो करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद पूछा कि आपको इसके अलावा भी मतलब कोई अदर से पहले से कोई किसी भी बैंक का CSP पॉइंट है, तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। तो यहाँ मैं नो करता हूँ और पूरा डिटेल को फिलअप करता हूँ। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, थैंक यू और आवर टीम विल रीच आउट टू यू सोन, इस ये कह रहा है कि आपका जो आवेदन है वो अप्लाई हो चुका है, वह सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे इन्होंने कह रहा है थैंक यू, आपका जो आवेदन है वह सबमिट हो चुका है और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अब यहाँ पे कस्टमर केयर हमें कॉल करेगी, जो उसके बाद मतलब जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के इसके पेटीएम पेमेंट बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे, वो हमें कॉल करेंगे और वो हमें CSP पेटीएम पेमेंट बैंक का फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेटीएम पेमेंट बैंक का CSP के लिए ₹1 नहीं लगता है। अगर इसके लिए कोई आपसे चार्ज करता है तो वो सरासर गलत है और वो आपसे ठगी कर रहा है। तो याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक का BC के लिए कहीं भी आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते, कैश विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते, किसी का KYC कर सकते, सारा काम करके और अच्छा खासा इनकम कर सकते आप कमीशन के तौर पे। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दे दूंगा, जैसे कि जो कुछ जिला देखते हैं, दरभंगा वगैरह देखते हैं कुछ जिला, उन जिले का जो नंबर है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।